अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। केदारनाथ उपचुनाव के लिए अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने आज बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी ने केदारनाथ विधानसभा में आने वाले 5 मंडलों में अपने 5 मंत्री और 5 पदाधिकारियों की तैनाती कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसकी लिस्ट जारी की है। गुप्तकाशी के लिए मंत्री सौरभ बहुगुणा, ऊखीमठ के लिए मंत्री सतपाल महाराज, अगस्त्य मुनि में मंत्री रेखा आर्य और अगस्त्य मुनि ग्रामीण में मंत्री सुबोध उनियाल और सतेरा खाल मंडल में मंत्री गणेश जोशी को चुनावों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी मंत्रियों के साथ एक एक पार्टी पदाधिकारी की तैनाती की गई है। इनके पास से बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी और इसके अलावा बीजेपी महामंत्री आदित्य कोठारी को विधानसभा प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। उपचुनाव को लेकर के प्रभारी और सहप्रभारी की भी नियुक्ति की गई है। हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय आदित्य कोठारी जी को प्रभारी और रुद्रप्रयाग क्षेत्र के विधायक आदरणीय भरत चौधरी जी को सहप्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही हमारे केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में 5 भारतीय पार्टी के मंडल हैं। उन 5 मंडलों में हमारे एक कैबिनेट मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी से जुड़े बंगाली समुदाय के नेता और सरकार में दायित्वधारी उत्तम दत्ता ने अपनी ही पार्टी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान की एक टिप्पणी को लेकर उनसे माफी मांगने के लिए कहा है। दरअसल गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान मुन्ना सिंह चौहान ने नगर पालिकाओं और नगर निगम में ओबीसी आरक्षण को लागू करने के तरीके को लेकर आपत्ति जाहिर की थी। चौहान ने उदाहरण के तौर पर तराई में रह रहे नमो शुद्र बंगाली समुदाय को शेड्यूल कास्ट आरक्षण क्यों नहीं मिला है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया था, जो बंगाली समुदाय को नागवार गुजरा था। और इधर बीजेपी संगठन का कहना है कि मुन्ना सिंह चौहान की टिप्पणी को बंगाली समुदाय ने शायद गलत समझा है और इस गलत फहमी को दूर किया जाएगा। मुन्ना सिंह चौहान जी का जो बयान है वो उनका व्यक्तिगत बयान है। उन्होंने विधानसभा में बोला, मैंने भी सुना, उनके ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और मुन्ना सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में बहुत कुछ ही दिन आया है। पहले वो उत्तराखंड जनवादी पार्टी में थे, उस पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय हुआ। तो मैं समझता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल विचार है, उस विचार से अभी तक मुन्ना सिंह चौहान उससे जो है भलीभांति परिचित नहीं हुआ। मुन्ना सिंह चौहान जो कहना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, आप इस तरह बयान न दें, अपने बात को सुधारें। और आपने जो ये गलत बयान दिया, इसलिए हमारे समाज से उनको जो है माफी मांगना चाहिए। मुन्ना सिंह चौहान जी का जो बयान था, जिस प्रेक्षण में था, उसको ठीक प्रकार से वहां पर रखा नहीं गया है। मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा कि उत्तराखंड के अंदर जन्म लेने वाला जो व्यक्ति, चाहे उसमें बंगाली समाज से जो ओबीसी क्षेत्र में आते हैं, लेकिन उनका उस बालक का जन्म, उस व्यक्ति का जन्म उत्तराखंड राज्य में हुआ है, तो वो उत्तराखंड की ओबीसी श्रेणी में आएगा, उसका प्रावधान करने की आवश्यकता है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए तेजी से प्रभावी प्रयास किए जाएं। सीएम ने कहा है कि ये सुनिश्चित करें कि किसानों को योजनाओं का फायदा एक पैकेज के रूप में मिले। सीएम ने राज्य के पॉलीहाउस स्कीम की समीक्षा करते हुए कहा है कि ये योजना अच्छी चल रही है और लेट लतीफी करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। हरिद्वार के माधोपुर गांव में गोकशी के आरोपी वसीम उर्फ मोनू के तालाब में कूदकर जान देने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक वसीम उर्फ मोनू की मौत ठीक पहले वसीम के भीड़ की मदद से पुलिसकर्मियों को घेर लिया गया था और इसी दौरान गोमांस से भरा बोरा और स्कूटी को गायब कर दिया। पुलिस का दावा है कि बोरे में गोमांस रखा हुआ था और इसे वसीम के चाचा ने ही गायब कर दिया। पुलिस ने इसका सीसीटीवी वीडियो भी जारी कर दिया है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग स्कूटी पर बोरा ला रहे हैं और फिर उसे तेजी से कहीं लेकर जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि इसी बोरे में गोमांस रखा था और फिर भीड़ की मदद से पुलिस को घेर कर रोक लिया गया और इसी दौरान गोमांस के बोरे को गायब कर दिया गया। यही नहीं, पुलिस के मुताबिक पिछले 5 साल में वसीम और इसरार के परिवार पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें कई मामले गोकशी से संबंधित है।
ऋषिकेश से खबर है जहां पर शराब तस्करों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये मंगलवार शाम को एक बार फिर से दिखा। अब आबकारी टीम ने ऋषिकेश के नटराज चौक से देहरादून के दो शराब तस्करों को दबोचा है। तस्कर एक कार में 10 पेटी शराब ऋषिकेश से बेचने के लिए लाए थे और ये धरपकड़ ऐसे दिन हुई है जब ऋषिकेश से एक ही दिन में 48 पुलिसकर्मियों को शराब तस्करों पर कड़ा एक्शन लेने के कनेक्शन में ट्रांसफर कर दिया गया। अवैध शराब और ओवर रेटिंग को लेकर पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह पर छापेमारी की गई है। जिन दुकानों पर ओवर रेटिंग की शिकायत मिली थी वहां पर आबकारी विभाग के अफसरों ने रिकॉर्ड खंगाले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्पेशल ताबड़तोड़ एक्शन हुआ और 13 जिलों की करीब 200 दुकानों को चेक किया गया। ऋषिकेश जो शराब प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां पर एक प्राइवेट कार में 10 पेटी देसी शराब पकड़ी गई तो दो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ओवर रेटिंग का शिकायतें समय समय पर आती हैं और उसके सापेक्ष हम लोग कार्रवाई करते हैं। और तो ये इसी का एक आज कड़ी थी कि एक मैसेज भी देना था कि जरूरी है कि पब्लिक में इस तरह का नेगेटिव मैसेज डिपार्टमेंट के बारे में ना जाए और विभाग अपना कार्रवाई कर रहा है, यह भी एक मैसेज इम्पोर्टेंट था जो डिलीवर होना है। देहरादून के SSP ने आज ऋषिकेश के आसपास तैनात पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की है और एक झटके में 48 पुलिस वालों का ट्रांसफर कर दिया। ऋषिकेश में लंबे समय से चल रहे अवैध शराब की बिक्री और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद भी देहरादून SSP ने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए ऋषिकेश में समीक्षा बैठक की और तत्काल प्रभाव से देहात SOG को भंग कर दिया। साथ ही ऋषिकेश कोतवाली और थाना रायवाला के साथ ही SOG समेत कुल 48 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर किए गए। इनमें से देहात SOG के 11 पुलिस वालों को देहरादून SOG में भेज दिया गया तो कोतवाली और थाने में 37 पुलिस वालों को ट्रांसफर किया गया, जो कि बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। शराब में बड़े माफियाओं पर कार्रवाई या देखा जाए कि जो संगठित रूप से इस तरह के अवैध कारोबार में लिप्त हैं उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई ना पाते हुए अच्छी मॉनिटरिंग हो तो उनको सिटी क्षेत्र के जो हमारे जो SOG की टीम है जिसमें इंस्पेक्टर और अन्य जो पर्यवेक्षण डायरेक्टर रहता है तो वहाँ पर उनको संबद्ध किया गया और आगे टास्किंग करके उनको वहाँ से विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह की अवैध कार्रवाई को अंकुश के लिए लगाया जाएगा। तो टोटल अभी 37 पुलिसकर्मियों का ऋषिकेश और रायवाला से स्थानांतरण किया गया। साथ ही SOG टीम के 11 लोग जो थे उनको अभी जो हेडक्वार्टर पर जो हमारी टीम है उसके रुड़की में अवैध खनन को लेकर दो पक्षों में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई देता है कि अवैध खनन का माल क्रेशर में डालने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। वायरल वीडियो रुड़की के भगवानपुर इलाके का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। रुड़की से खबर है जहां पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दो गुटों के बीच में यहां लड़ाई हो रही थी जो कि मारपीट में बदल जाती है और लाठी डंडों के साथ ही बेल्ट से एक दूसरे पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद ही ये मारपीट शुरू हो गई थी। क्लियर थाना क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हरिद्वार में तमंचे के बल पर एक महिला के गले से चेन झपटने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें बाइक सवार एक शख्स पहले बाइक रोककर मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला के पीछे जाता है और फिर उसके गले से चेन झपट्टा मारकर छीन लेता है। इस दौरान वहां पर मौजूद शख्स ने बदमाश को पकड़ने की कोशिश की, तभी बदमाश ने उसके ऊपर तमंचा तान दिया और फिर हवाई फायर करते हुए भाग निकला। विकासनगर में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सेवाओं पर भी चोरों की नजर है। विकासनगर के सरकारी अस्पताल में सरकारी एम्बुलेंस को एक चोर लेकर फरार हो गया और सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी को खंगाला। फिर पुलिस ने आरोपी समीर खान को चोरी के एम्बुलेंस के साथ में सहसपुर से गिरफ्तार कर लिया। कि सरकारी अस्पताल विकासनगर में जो सरकारी एम्बुलेंस थी एक अज्ञात व्यक्ति उसे चुरा कर ले गया है। पुलिस द्वारा मौके पर जाकर CCTV देखने पर पाया गया कि एक व्यक्ति पहले उसके आसपास घूमते हुए उसकी रेकी की, उसने आसपास के लोगों को देखा और उसके बाद उसके अंदर से चाबी निकालकर एम्बुलेंस
लेकर के भाग गया था। अभियुक्त समीर खान पुत्र गुलबहार निवासी केदारवाला सहसपुर को चोरी गई एम्बुलेंस के साथ अरेस्ट कर लिया गया है। उत्तराखंड में आज से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज फिर से पार्टी की सदस्यता ली। सीएम धामी ने पार्टी सदस्यता नंबर पर मोबाइल से मिस कॉल के जरिए पार्टी की सदस्यता ली। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सीएम धामी को सदस्यता कार्ड दिया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि लोगों के घर घर जाकर पार्टी की रीति और नीति के बारे में बताएंगे और लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम किया जाएगा। प्रदेश बीजेपी ने हर बूथ पर 210 नए सदस्य बनाने का टारगेट रखा है। ये सदस्यता अभियान के साथ साथ हमारा संगठन पर्व भी है। नए सदस्यों को जोड़ने का काम भी हमारा इसमें होगा और एक बड़ी संख्या जो देश के अंदर 10 करोड़ नए सदस्यों को बनाने का लक्ष्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में लिया गया है, उत्तराखंड उसमें एक अच्छी भूमिका निभाएगा हमारे राज्य के अंदर भी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही घर घर तक पहुँची हुई है, उसको और हम और विस्तार देने का काम करेंगे। हमारे सभी पदाधिकारी सभी कार्यकर्ता सदस्यता अभियान से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित जागर लोक संस्कृति उत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी ने एक किताब का भी विमोचन किया और प्रीतम भरतवाण की उत्तराखंड की लोक संस्कृति का एम्बेसडर बताया और सीएम धामी ने जागर एकेडमी के जरिए युवाओं को इस विधा से जोड़ने के लिए भरतवाण के प्रयासों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ढोल और जागर हमारी पहचान है। प्रदेश में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधा। रावत का कहना है कि दुराचार की घटनाओं में लगातार हो रहे इजाफे काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि दुराचार की घटनाओं में बीजेपी नेताओं के जिस तरह नाम आ रहे हैं उससे साबित होता है कि सत्ता के नशे में छोटे से बड़े नेता पूरी तरह से डूबे हुए हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि कांग्रेस के आरोप निराधार हैं। जहां भी महिलाओं के साथ में गलत हो रहा है पुलिस सख्त कदम उठा रही है। सरकार भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है। इसी का नतीजा है कि मामले सामने आते ही आरोपियों पर कड़ा एक्शन हो रहा है। देखिए कि उनके दो दायित्वधारी एक सांतरसा में एक गरीब विधवा हरिजन की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में वांटेड है और अब ये दुष्कर्म के मामले में एक और दायित्वधारी पर आरोप लालकों में लगा है जो गंभीर है, जो अत्यधिक गंभीर है। तो ये इनके सत्ता का नशा इनके ऊपर छा गया है और इसमें कोई अपना हो पराया हो, मैं समझती हूँ कि सरकार का जो दायित्व है वो ठीक प्रकार से निर्वहन हो रहा है और कहीं पे भी किसी प्रकार की यदि कोई ऐसी बात जो कि एक महिला हो या बालिका हो जिसको लग रहा है कि मैं संबंधित से यदि असुरक्षित हूँ, वो मामला दर्ज करवाने का भी राज्य सरकार के साफ डायरेक्शंस हैं। राज्य में एकाएक महिला अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। दुष्कर्म से लेकर लव जिहाद तक का मामले लगातार सामने आ रहे हैं और सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आवाज बुलंद की जा रही है तो अब हाईकोर्ट में भी मामला पहुंच गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। महिला सुरक्षा पर राज्य में बवाल मचा है। बलात्कार, यौन शोषण और लव जिहाद की घटनाओं से लोग सड़कों पर हैं। लाल कुआं से लेकर चमोली तक और सल्ट से लेकर देहरादून तक एकाएक इन तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसके बाद अब हाईकोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर याचिका दाखिल हुई है जिस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता समेत सभी से सुझाव मांगे हैं। अपराधियों के मन में
लॉ एंड ऑर्डर या कानून को लेकर के किसी तरह का कोई भय नहीं रह गया है। उनको इजी बेल मिल जाती है, एफआईआर अगर हो भी जाती है तो वो इन्वेस्टिगेशन यानी कि चार्जशीट उनमें बहुत लंबा समय लगता है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद चंपावत में नाबालिग से रेप की घटना ने सभी को झकझोर दिया था। वहीं हाल ही में रुद्रपुर में नर्स की हत्या हुई तो देहरादून बस में रेप का मामला भी सुर्खियों में रहा है। उधर चमोली के नंदनगर में लव जिहाद जैसे सवाल उठे और नैनीताल के बेताल घाट और सल्ट में बलात्कार की घटना हुई। नैनीताल जिला प्रशासन ने अब टास्क फोर्स बनाई है जो शराब ठेकों के आसपास और गांव में खाली पड़े प्लाटों के अड्डे पर नजर रखेगी। साथ ही स्कूलों में बच्चों को भी जागरूक किया जाएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं सरकारी और निजी, उनमें बालिकाओं से बात करके उनको अपने शहर के कौन से एरियाज जो है वो असुरक्षित लगते हैं या वहाँ जाने में डर लगता है, उन सब का एक चिन्हीकरण करेगी, उनकी एक लिस्ट बनाएगी, उन प्लेसेस पर विजिट करके उनका वेरिफिकेशन करेंगी कि वहाँ किस कारण से असुरक्षा है। हो सकता है वहाँ अंधेरा रहता हो सकता है वहाँ कोई लिकर शॉप हो सकता है वहाँ कोई खाली प्लॉट पड़ा हो जिसमें अराजक तत्व बैठते हैं। बहरहाल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देश भर में ही सवाल उठे हैं। कोलकाता की घटना के बाद लोग आक्रोश में हैं, तो लगातार मामलों में बढ़ोतरी उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों में भी हो रही है। ऐसे में कठोर कानून बने तो शायद ऐसे मामलों को कुछ कम किया जा सके। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, आईएफएस राहुल से जुड़े मामले में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि राहुल खुद ही राजाजी डायरेक्टर का पद छोड़ना चाहते हैं। वन मंत्री ने कहा है कि राहुल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं, जबकि राजाजी का डायरेक्टर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होता है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रुद्रप्रयाग में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते केदारनाथ पैदल मार्ग पर कई जगह पर बोल्डर गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच में पिछले महीने क्षतिग्रस्त हुए हाईवे को अभी तक दुरुस्त नहीं किया जा सका। अब ऐसे में यहां भी कई जगह पर स्लाइडिंग जोन से पत्थर गिर रहे हैं, जबकि चीरबासा में भी बोल्डर और मलबा आने से श्रद्धालु बड़ी मुश्किलों से आवाजाही कर रहे हैं। और घनसाली के आपदा प्रभावित भिलंगना और साथ ही बालगंगा घाटी के गांवों के सर्वे का काम अंतिम चरण में है और जियोलॉजिकल टीम ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 40 गांवों के 160 घरों के डेंजर जोन की श्रेणी में रखा गया है। प्रशासन द्वारा जमीन की तलाश की जा रही है और विस्थापन की कार्रवाई के लिए धन की मांग की जाएगी। आपको बता दें कि भिलंगना और साथ ही बालगंगा घाटी में 21 और 26 अगस्त को बादल फटने की घटना के बाद भारी तबाही हुई थी, जिसके बाद में सीएम ने आपदा प्रभावित क्षेत्र के दौरे के दौरान क्षेत्र का सर्वे कराकर विस्थापन की कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएम का कहना है कि जियोलॉजिकल टीम की फाइनल रिपोर्ट के आधार पर विस्थापन के साथ ही सुरक्षात्मक कार्य का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। समस्त गांव में मिला के करीबन 150 से 160 जो घर हैं वो उन्होंने डेंजरस श्रेणी में बताए हैं। सभी विलेजेस में मिला के करीबन ये 40 विलेजेस हैं और इसमें तिनगढ़ में ही अकेले में 74 परिवार थे और बाकी सब में मिला के अदर 70-80 परिवार और आइडेंटिफाई हुए हैं। अग्रिम कार्रवाई ये की जाएगी कि जो लोग आइडेंटिफाई किए हैं उनके लिए भूमि चयन की कार्रवाई राज्य विभाग कर रहा है। बागेश्वर के कांडे कनियाल में जोशीमठ जैसे हालात बन गए हैं और खनन के कारण कई घरों में दरारें आ गई हैं। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद में प्रशासन जागा और लोगों के घरों में आ रही दरारों की जांच की। इस दौरान भू वैज्ञानिकों और खनन अधिकारी सहित पूरी टीम ने घरों की बारीकी से जांच की। इधर हमने निरीक्षण किया, इधर एंटी मैम भी आए, जियोलॉजिस्ट सर भी आए, पूरी टीम आई है इधर और इधर हमने देखा है कि दरार वगैरह आ रही हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता। क्षेत्र में दरारें वगैरह हमने सबका निरीक्षण वगैरह करा है और अब आगे आगे कार्रवाई करेंगे।
चमोली में सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब की खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जहां पर मॉनसून की बारिश के बीच में हेमकुंड साहिब धाम काफी सुंदर लग रहा है। हेमकुंड साहिब में हर रोज 500 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जबकि अभी तक हेमकुंड साहिब में 156,000 तीर्थयात्री मत्था टेक चुके हैं। और चलिए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। अल्मोड़ा के चोखुटिया में 24 अगस्त की हुई लड़के की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी खीम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। यहां पर विशेष समुदाय के लड़कों के द्वारा लड़कियों से छेड़छाड़ के बाद में माहौल गरमाया हुआ है। रुड़की के माधोपुर मामले में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। कालाडूंगी के बेल पड़ाव में देर रात चोर एक ज्वेलरी की दुकान में हाथ साफ कर गया। यहां पर चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण के विरोध में अल्मोड़ा गांधी पार्क में धरना जारी है। पहाड़ से विकास प्राधिकरण हटाने के लिए पिछले 7 सालों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। टिहरी के जाखणी धार में डीएम की अध्यक्षता में आयोजित तहसील दिवस में 37 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिसमें से अधिकतर का मौके पर निपटारा किया गया। कोटद्वार में फैली अव्यवस्थाओं और समस्याओं को लेकर पूर्व सैनिक संगठनों ने सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। नई टिहरी पीजी कॉलेज को श्रीदेव सुमन का कैंपस बनाए जाने सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर छात्रों ने कॉलेज गेट में तालाबंदी की और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी। हरिद्वार के पेंटागन मॉल में युवाओं की दबंगई देखी गई। कार में डीजे पर गाना बजाने को लेकर हुए विवाद में युवकों ने सुरक्षा गार्ड के साथ पिटाई की। अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज को ब्लड बैंक के लिए मान्यता मिल गई है। अब जल्द ही बेस अस्पताल में ब्लड बैंक की सुविधा शुरू हो जाएगी। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज 18।